हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम सेम पिछले वाले प्लेस पर हैं जहां हम पिछली बार थे, यानी कि जो टाइम मशीन जो हमने मोशन सिमुलेटर वाला एग्जाम में देखा था वही सेम है। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये भी शायद आपको पिछले वीडियो में देख रहे हो, नहीं मिला वाले इस वीडियो में देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये पूरा ऑडिटोरियम है टाइम मशीन वाला। यहाँ पर जो है हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ से मीनिंग, मतलब ऐसा चीज़ें, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं आप गांधी जी की आवाज़, ठीक है। यहाँ देखिए आप गांधी जी की आवाज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। हालांकि आवाज़ इतनी लाउडली नहीं, इतनी तेज नहीं है, आपको सुनाई ना दे आई थिंक, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से पूरे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, चरखा वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और ये काफ़ी अमेजिंग गैस, उनके 150वें जन्मदिवस पर इस इंडिया को आई थिंक बनाया गया होगा। ये गांधी जी से रिलेटेड, सत्य अहिंसा से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, ये उनके लेक्चर्स वगैरह, उनके भाषण वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर घड़ी, मैंने सुना कि गांधी जी वो वक्त के बहुत पावंद थे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर घड़ी जो है ये रखा है। यहाँ पर लैंग्वेज वैंग्वेज सब चेंज करके आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आते हैं तो यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। और यहाँ का जो गैलरी थी अबाउट गांधी जी बहुत ही, मतलब ज़्यादा लोगों को इंस्पिरेशन देने वाली थी। और ये बड़का सा नीला गोला पति जो है, मतलब बहुत ही मस्त लग रहा था देखने में, मन कर अंदर जाऊँ, लेकिन अंदर जाना निषेध था, अंदर जाना मना था, सार्वजनिक लोगों को अंदर जाने से मना ही थी, इसीलिए हम लोग अंदर नहीं गए थे, ठीक है। तो हमने बाहर से देख के इसको सर्व कर लिया, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर जो है अपोलो मिशन के बारे में दिखाया गया, स्पेस की हर एक मिशन, नॉट इवन अपोलो मिशन, ठीक है, स्पेस की हर एक मिशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और स्पेस की रेस दिखाई गई है अनदर कंट्रीज से, अनदर जो भी देश वगैरह उनसे हमारी रेस दिखाई है, ठीक है। कौन सा लॉन्च यान कब लॉन्च हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, सारी चीज़ इवन ए टू जेड, ठीक है। और यहाँ पर सबसे मस्त खेलने वाली चीज़ मुझे लगी ये एरिया, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें कैमरे से स्कैन करके जो है ना, हमें देख सकते हैं आप ग्रेविटेशनल चीज़ों को दिखाया गया यहाँ पर, किस तरह से जंग जो होते हैं स्पेस में, सारी जंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये हमारे सर पर आसपास जो है गिरे हुए पड़े हैं। और ये एरिया है ऑडिटोरियम का वही पार्ट है ये, जहाँ पर हर एक मिशन के बारे में दर्शाया गया चीज़ें चलती रहती है। और ये बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ठीक है, क्योंकि देखिए हाथ से जो है पन्ने पलट रहे हैं, ठीक है, टच एंड मोशन। और ये फाइनली हमारा टाइम मशीन तो याद ही होगा, पिछली बार हम कितनी बार झटके खा करके बाहर निकले हैं टाइम मशीन से। पूरे 5 मिनट 6 मिनट की वीडियो है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी वीडियो है। लास्ट में देख लेना, अभी मैं देखना पूरी वीडियो चलने दो, ओके। और ये पीछे विकलाम देख लीजिए, और ये है मैक्रो टू माइक्रो, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड की, मतलब हर एक ग्रह के बारे में, तारे के बारे में, ठीक है, सबके बारे में बताया गया है। और अब यहाँ से विस्थापित करते हैं दूसरे ऑडिटोरियम की ओर। और ये शॉप है, यहाँ पे खिलौने हैं बहुत सारे अबाउट डायनासोर्स वगैरह, ठीक है। और ये है लिक्विड पेंटिंग, और ये है पेंडुलम, ठीक है, जो पैरों से मतलब हिलाया करके, जितना तेज़ दबाओगे उतना तेज ये पेंडुलम जो है आगे पीछे होगा, उतना तेज ये पेंडुलम हिलेगा, ठीक है। पेंडुलम के बारे में तो हम सभी ने पढ़ा है, ठीक है, इवन 6th to 8th मतलब 10th तक जो है चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा होगा, ठीक है, दोलन गति वगैरह, दोलन गति इंग्लिश हिंदी बोलते हैं। और नाउ दिस इज पियानो, आई लाइक दिस पियानो, मैं इस पर काफ़ी दोहरा हूँ, आप देख सकते हो, तो बहुत मज़ा आया था। एक अजीब सी ट्यूनिंग सुनिए एक बार गौर से, मतलब मज़ा आया। और ये भी देखिए, जितने तेज़ यहाँ दबाते हैं उतने तेज़ जो है ये राउंड राउंड घूमता है, ठीक है। और ये भी है, नीचे से दबाओगे तो एक इलेक्ट्रिक वेव निकलता है, नीचे दबाने पर इलेक्ट्रिक वेव से निकलता है ऊपर की ओर, देखो इलेक्ट्रिक वेव निकल रही है, देख सकते हैं आप। तो जितने तेज़ दबाओगे उतने तेज़ इलेक्ट्रिक वेव जो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। और ये जंपिंग स्लाइड है, जितनी तेज़ दबाओगे उतने तेज बॉल जो ऊपर की ओर भागेगी, ठीक है, बॉल नहीं हुआ है। और ये साइकिल, मतलब भाई इतना पावर नहीं मैं अंदर कि मैं साइकिल चला सकूँ, तो फुल मैंने साइकिल को ट्राई किया चलाने का, ठीक है, और उन्होंने चला लिया। और इसमें शायद एक बॉल थी जो दूर तक भाग रही थी। और सेकंड ऑफ इसमें भी क्या है, एक बॉल है, जितनी तेज़ी से इसको हम दबाएंगे ना उतनी तेज़ी से देखिए बॉल जो है आगे की तरफ भागती है, ठीक है। इवन एक वक्त ऐसा है कि बॉल आगे तक नहीं भागी, और ये नीचे दबाओगे तो ये अजीब सा ना DNA की तरह, DNA देखा जाए आपने, DNA की तरह राउंड राउंड घूम रहा है आपस में। नेक्स्ट ये बॉल कुआँ,
ज़्यादा गर्म नहीं, अंदर गर्म होगा। और ये चेन नीचे दबाओगे तो चेन घूमेगी आपस में, ये हीट भी पैदा करता है, इसके ऊपर हाथ होते हीट देता है ये। और यहाँ पे एक कंचा सा बड़ा सा गोला सा कंचा होता है, इसमें जो नीचे से यहाँ से जो है उठा करके ऊपर की ओर डाला जाता है, फेंका जाता है, और ये अंदर गोल गोल घूमता है, हालांकि यहाँ पे है नहीं अभी। और ये जो है साइकिल की रिम के अंदर जो है चेन फंसी है जो घूम रही है, ये एंशियंट रास्ता कह लिया, एंशियंट वक्त का जो चीज़ यहाँ पर दिखाया गया सारी चीज़। और ये फूल दबा करके जो है इसको जितनी स्पीड गिटार बजा सकते हैं बजा रहे हैं। और ये नहीं पता क्या, लेकिन ध्यान नहीं दे मैंने छोड़ो, इसको देख के मुझे वाली फीलिंग आती है जैसे कोई हमारी फोटो खींच रहा हो, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये भी, और ये भी देखने में लुक काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। अब यहाँ पर जो है ये देख लीजिए, सुनिए, अब यहाँ पे आपको एक सबसे मस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो है घूम रहा था, ठीक है, गोल गोल घूम रहा था, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छा देख सकते हैं आप। जो है जाली जो है एक दूसरे के ऊपर जो है राउंड राउंड घूम रही है, हालांकि खड़े हो सकते उसके ऊपर इतना राउंड नहीं घूम रहा, लेकिन फिर भी घूम रहा था। और ये दवाइयों वाला राक्षस, दवाई जितना खाओगे उतना राक्षस को पकड़ेगा, ये मुझे सबसे ज़्यादा मतलब डरावना और ख़तरनाक लगा था। तो चलिए अब हमारे बाहर जाने का वक्त हो चुका है, और ये सबसे लास्ट एपिसोड था साइंस सिटी का, ठीक है। यहाँ के बाद बाहर निकलते हैं, बाहर का थोड़ा सा डिजाइन वगैरह देख लेते हैं हम कैसा क्या है, ठीक है। सामने के बिल्डिंग में देखेंगे अभी, ठीक है। और ये हम आ चुके हैं यहाँ के मतलब कि प्रांगण में, यहाँ का जो पूरा ग्राउंड है वहाँ आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। और ये आपको ने ऊपर देखा होगा वे रोप वे जहाँ से हमने सफ़र किया था, उस वीडियो को भी आप देखना ना भूलें, और ये भूल भलैया इन रास्तों से होकर के हमें निकलना है बाहर की ओर। काफ़ी इंटरेस्टिंग रास्ते पर भी आगे जा रहे हैं, बाकी मैं रास्ता ढूंढना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो सकता है, ठीक है, लेकिन जितना मुश्किल नहीं जितना लगता है। हम यहाँ से निकल चुके हैं, आधा रास्ता पार कर चुके हैं, ठीक है, और काफ़ी आगे आ चुके हैं, अभी यहीं से निकल के हम जाएंगे आगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर भी हमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार। तो फाइनली अब वक्त हो चुका है हमारे बाहर जाने का, इससे पहले दो तक सिनेमेटिक शॉट ले लेते हैं, ठीक है। पहले मेरा शॉट कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा कि सिनेमेटिक शॉट जो है थोड़ा अच्छा है कि नहीं। हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा सा हिल गया है, क्योंकि दोस्तों मोबाइल है तो यार इससे जो हम इतना स्टेबलाइजिंग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, और अगर हम स्टेबलाइजिंग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो इतनी क्लियरिटी नहीं आई। अथक प्रयासों के बावजूद वीडियो बहुत ज़्यादा हिल चुकी है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हालाँकि फिर भी आपको वीडियो लाइक कर देना चाहिए, अनलाइक कर देना चाहिए, कमेंट भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपको कोलकाता से ही देखने को मिलेगी, तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अलविदा।